हाय फ्रेंड्स, इंडिया होम कुकिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे टोमेटो ऑनियन सैंडविच। सैंडविच बनाने के लिए मैंने लिए ब्रेड स्लाइस, उबले हुए आलू, कद्दूकस करे हुए गाजर, बारीक काटे हुए टमाटर, बारीक काटी हुई प्याज, दो लाल मिर्ची, इसे भी हमने बारीक काट के रखी है, टमेटो सॉस और बटर। सबसे पहले पैन में 1 चम्मच तेल गरम करेंगे। गरम तेल में आधा छोटे चम्मच जीरा डालेंगे, बारीक काटी हुई प्याज, कद्दूकस करे हुए गाजर, वो भी हम इसमें डाल देंगे। गाजर और प्याज को अच्छी तरह से भून लेंगे। गाजर और प्याज थोड़ा सा पक चुका है, अब हम इसमें काटे हुए टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को भी गाजर और प्याज में अच्छी तरह से भून लेंगे। बारीक काटी हुई लाल मिर्ची इसमें ऐड कर देंगे। गाजर, प्याज और टमाटर अच्छी तरह से पक चुके हैं, अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। आधा छोटा चम्मच स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। थोड़ा सा हींग ऐड करेंगे। आधा चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। दो छोटे चम्मच इसमें टमाटर सॉस ऐड कर देंगे। सॉस को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें मैच करे हुए आलू ऐड कर देंगे। आलू को मसालों में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा सैंडविच का मसाला तैयार हो चुका है। अब हम ब्रेड स्लाइस लेंगे, उसमें अच्छी तरह से बटर लगा लेंगे।
ब्रेड में अच्छी तरह से बटर लगा लिया है, अब हम इसमें मसाला लगाएंगे। ब्रेड के ऊपर मसाले को अच्छी तरह से लगा लेंगे। इसी तरह से दूसरे ब्रेड का भी हम बटर लगा लेंगे। बटर लगा के ब्रेड को मसाले के ऊपर रख देंगे। इसी तरह से बचे हुए सारे सैंडविच को तैयार कर लेंगे। अब हम सैंडविच को मशीन के अंदर रख देंगे। सैंडविच रख के मशीन को 2-3 मिनट के लिए बंद कर देंगे। अब मैं सैंडविच को चेक कर लेती हूँ। सैंडविच अच्छी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे निकाल के बीच में से काट लेती हूँ। इसी तरह से सारे सैंडविच बना के बीच में से काट लेंगे। आप देख सकते हैं इसी तरह से सारी सैंडविच बनकर तैयार हो चुकी है। क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनी है सैंडविच। तो कैसी लगी आपको मेरी सैंडविच की रेसिपी, कमेंट में ज़रूर बताएं। आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।